हेलो गाइस, टुडे हम विस्ता का कार शैम्पू अनबॉक्सिंग करने वाले, जो डर्टी एंड ग्रेमी अवे, यानी कि जो हमारी गाड़ी को एकदम क्लीन कर देगा और बढ़िया सा क्लीन और पॉलिश टाइप ओपन कर देगा। कार विस्टा शैम्पू का हम एक आप देख सकते हैं, माइंड और स्किन नो स्टिचिंग फार्मूला, सेफ फॉर ऑल कार फिनिशिंग, डायरेक्शन टू यूज़, ये देख सकते हो आप। पहले डायरेक्शन टू यूज़ यानी कि कैसे यूज़ करना है, 25 ml लेना है 1 लीटर वाटर में, ये अप्लाई करना है अपनी कार पे और वॉश कर देना है और फिर वाटर से क्लीन कर देना है। कैलकुलेशन, स्टोर इन कोल्ड एंड ड्राई प्लेस, हमें इसे कूल और ड्राई प्लेस में रखना है। इन केस आई कॉन्टैक्ट में चला जाए तो आप पानी से अपनी धो सकते हो, और कॉन्टैक्ट करने के लिए नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस हेल्पलाइन नंबर में भी आप कॉल कर सकते हो। मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड बाय रीसेल केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, और उसका बेंगलोर में है इसकी फैक्ट्री, और इंडिया इसका कोड लिखा हुआ है GIDC। बेंगलोर में कैसे, BCIA में 13 नंबर की फैक्ट्री लगी हुई है। फॉर एनी टेक्निकल एसोसिएशन कंप्लेंट करनी है तो आपको हेल्पलाइन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल और वेबसाइट दिया गया है, और इधर लाइसेंस नंबर भी लिखा है, मंथ ऑफ ईयर, मैन्युफैक्चरर भी लिखा है। अब इसे हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। देखो, इसे खोलने के बाद इसमें से आपको ऊपर थोड़ा छोटा सा छेद करना है, और छेद करने के बाद ये ऐसा पैकिंग दिया कि जैसे ये गिर ना जाए, ऐसा पैकिंग दे दिया है इसमें। हम निकाल रहे हैं, हमने इसके लिए एक टेस्ट ट्यूब ली है, हमारे पास थी इसलिए 25 ml लेने के लिए। आपके पास टेस्ट ट्यूब ना हो तो चलेगा, कोई बात नहीं। इसका कलर स्लाइटली ग्रीन कलर है। और अब हम इसे पानी मिलाएंगे। स्टॉप करो, ऊपर 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 हमने 1 लीटर से थोड़ा ज्यादा पानी लिया। अब और पानी थोड़ा मिक्स करके इसमें मिला देंगे। आप देख सकते हो कैसे बबल्स और जार बन गए, जार बन गए, आप देख सकते हो। बहुत बढ़िया कंडीशन में है, और हम इसे कार पे अप्लाई करेंगे। बढ़िया क्वालिटी में मिल रहा है, इसलिए हम इसके फर्स्ट इसका अनबॉक्सिंग करने का वीडियो बनाने का सोच रहा है। अब देख सकते हो गाड़ी पे कितनी दूर लग गई है। रेल एलिमेंट भी हम साफ कर रहे हैं इसे। और इसके साफ लगाने के बाद पानी, थोड़ा सा पानी डालोगे तो भी निकल जाएगा, कुछ रह नहीं जाएगा। आप जनरली आप शैम्पू लगाते हो ना तो वो रह सकता है, लेकिन इसमें आप देख सकते हो थोड़ा सा ही हमने पानी डाला है, क्लीन भी नहीं किया तो भी निकल गया है।